राजमहल भी टाइट फाइट में आ गई है। तो अब ये लोकसभा की सीटें तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन एक उपचुनाव भी हुआ है, गांडे का उपचुनाव। ये किस में जाता है, ये उपचुनाव को अलग कैटेगरी में हम रखते हैं, क्या लगता है गंगेश जी, गांडे उपचुनाव क्या श्योर सीट है? देखिए बिल्कुल इसको श्योर सीट में डाल देना चाहिए जेएमएम कल्पना सोरेन के पक्ष में, क्योंकि ऐसा लगा कि बीजेपी इस पर ठीक से लड़ना ही नहीं चाह रही थी। उनकी तरफ से जैसे हम लोग आते जाते कई बार उस इलाके से गुजरे, वहाँ पर बीजेपी की छोटी सी रैली भी नहीं दिखी। तो ऐसा दिखता है जैसे आप जितनी सीटों को हम लोग इधर टाइट फाइट में डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि मामला मुकाबला बराबरी का है, वहाँ भी ये समस्या जो इंडी गठबंधन है उसके साथ होने जा रही है कि उन्होंने लड़ाई कितने तेवर के साथ लड़ी, कितने तरीके से लड़ी। जैसे खूंटी में लड़ाई दिखती थी कि हाँ लड़ाई दोनों तरफ से है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूसरे तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी गई। इसमें एडवांटेज जो वहाँ के सांसद हैं, एग्जिस्टिंग सांसद हैं, उनको मिला है। इसी तरह से गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन को साफ साफ एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एडवांटेज बिल्कुल उनके पक्ष में। मुझे लगता है इसे सभी इत्तेफाक करेंगे। देखिए सर ने जो कहा कि गांडे में सियोर सीट की कैटेगरी में, तो भाई मैं तो यही कहूंगा ये बात बिल्कुल 100% सही है कि बीजेपी ने इस सीट को सीरियसली लड़ा ही नहीं। लगता है बीजेपी चाह रही है कि कल्पना सोरेन जीत जाए और सीएम बन जाए, ताकि चंपई सोरेन नाराज हो जाए और विधानसभा चुनाव तक जेएमएम कमजोर पड़ जाए। देखिए अब यहाँ पर अगर हम गांडे विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। जो यहाँ का भी जो जातीय समीकरण है, मुस्लिम और आदिवासी को अगर आप मिला दीजिए तो ये ऑलमोस्ट वन साइडेड फाइट जो है हो जाती है। और यही वजह है कि पिछली बार जो है सरफराज अहमद भी अच्छी मार्जिन से जीते थे। जब तक मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स में आपको बंटवारा नहीं होता है, किसी दूसरे के लिए जीतना इस सीट को मुश्किल है। और फिर तो यहाँ पर प्रत्याशी भी कल्पना सोरेन ने, तो उनके नाम पर कुछ और वोट जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये श्योर सीट जेएमएम कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से आराम से जीत जाएंगी। देखिए उदय जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा है। अभी आप अगर देखें तो चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है और मीडिया में ये खबरें आने लगी हैं कि अब ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है, कल्पना सोरेन की, चंपई सोरेन की विदाई की तैयारी है। तो ये तरह तरह की चीज़ें जो है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की एक मंशा नज़र आती है। जिस तरह से गांडे चुनाव लड़ा गया है उसे आप कभी नहीं कह सकते हैं कि एक उपचुनाव भी गंभीरता के साथ लड़ी गई है। तो ऐसे में अब परिणाम क्लियर है, स्पष्ट है कि कल्पना सोरेन वहां से विधायक बन रही है, अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जो है बेहतरीन तरीके से कर रही। भविष्य क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।